एक लंबे वक्त से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। जवाब दे दो बराबर, रुकिए रुकिए रुकिए, बराबर कर लीजिए, अंजना जी नहीं जवाब दे दीजिए, बराबर बराबर, डरिए मत, सुना दीजिए, डरिए मत, 23 तारीख के बाद ये डर खत्म हो जाएगा, डरिए मत, नहीं नहीं आप इस तरह का तंज में इस पर आपत्ति, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए इनकी। मैं फिर से आपको बता दूं अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप और कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो ये सोच रहे हैं कि टीवी पर बैठकर आप मीडिया पर इस तरह का प्रहार करेंगे, उससे आप बचिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। हम लोग उसी तरीके से सवाल आपसे भी पूछते हैं, बीजेपी से भी, किसी डर में ना काम किया है, ना कर रहे हैं, ना करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इससे ज्यादा मीडिया की भलाई सोचने का आपको जरूरत नहीं है। आप अपने हक की बात कीजिए, मैं बराबर अपनी बात कीजिए, मैं कोई ऐसा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। आपने मेरा नाम पुकारा और कहा बोलिए, तब मैं बोल रहा हूँ, बोलिए, मैं अपना हक मांग रहा हूँ, क्योंकि दो टर्न उनको आपने दिया। मीडिया के लिए अपनी सहानुभूति की पोटली लेके कहीं और जाइए, यहाँ क्यों नहीं जवाब दीजिए सवाल, क्यों नहीं? सब पे आक्षेप लग सकता है, सबसे असहमति हो सकती है, जवाब दीजिए, तो मीडिया से असहमति क्यों नहीं हो सकती है? टॉपिक मीडिया क्या ब्रह्म है? टॉपिक पे मीडिया क्या ब्रह्म है? टॉपिक पे आइए, सहमति नहीं हो सकती, टॉपिक पे आइए, यही टॉपिक था, ये टॉपिक ही है, आप ही ने टॉपिक लाया मीडिया, टॉपिक टॉपिक पे तो टॉपिक पे रहा करिए, कोई ब्रह्म नहीं है, दोहर किसी को हर किसी पे असहमत होने का अधिकार है। मैं ये कह रहा था कि इन मुद्दों पे, जिन मुद्दों को मैंने गिनाया, आदरणीय मोदी जी उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़े थे और 5 साल सत्ता में रहे हैं, तो जो सत्ता में है, जिस जिम्मेदारी मिली है, तो जवाबदेही उनकी वही है कि इन पे आप जो वोट मांगे थे उसका हिसाब दें। क्यों नहीं हिसाब देते हो भाई, क्यों नहीं बताते हो? मैं तो वही तो चुनौती कर रहा हूं कि आ जाओ ना इन मुद्दों पे, यहां वहां ईरान तुरान क्यों घूम रहे हो? रोज मुद्दे बदलते हो आप, क्योंकि पता है कि आप डूब रहे हो, डूबता व्यक्ति से तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी तरह आप किसी तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, लेकिन डूबने से वो बचता नहीं है। वही हाल आदरणीय मोदी जी आपका है, तमाम तरह के मुद्दे ढूंढते रहिए, जनता मन बना चुकी है, आपने इस देश का सम्मान स्वाभिमान देशवासियों का गिराया है, आपने इस देश को कर्जदार बनाया है, सिर्फ 5 वर्षों में 37 लाख करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया, 37 लाख करोड़ रुपए, जो 1947 से 2014 तक मात्र 50,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आपने मात्र 5 सालों में 37 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया है। ठीक है, जो दोनों पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ हम यहां पर जल्दी से जरा सा प्रतिक्रिया ले लें। खाते में डाला है 3.5 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया है। अखिलेश जी वापस आ रही हूँ आपके पास, उर्मिलेश जी, आलोक जी, आप दोनों से शुरुआत करते हुए, जो राजीव गांधी और बोफोर्स की एंट्री आज 5वें चरण में हुई है, इसका क्या अर्थ समझा जाए? उर्मिलेश जी आपसे शुरू करते। नहीं देखिए, ये शुरुआत जो हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर जो प्रधानमंत्री जी ने वो जो रैली में बात कही दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको किसी कीमत पर किसी स्तर पर मैं नहीं समझता कि डिफेंड किया जाना चाहिए, और बेहतर रहा होता कि माननीय प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ एक नेता नहीं हैं, वो इस देश की 130 करोड़ जनता के नेता हैं, भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं, उनको फौरन आत्मालोचना करनी चाहिए थी कि उनसे एक ऐसा शब्द निकल गया, एक ऐसा वाक्य निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था।